हे गाइस व्हाट्स अप, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। तो मेरा नाम हिमांशु वर्मा है, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो यार आज 18 जनवरी 2024 का दिन है, तो आज का ये न्यू व्लॉग है, ठीक है। तो यार आज हमारा पेपर था, पेपर ऊपर देकर आए थे, ठीक है। फिर उसके बाद सो गए थे यार, नींद आ रही थी, ठीक है, सो गए। तो अभी उठे यार, देखे शाम हो गई, ठीक है, शाम हो गई यार, करीब 6 बज रहा होगा, ठीक है अभी, ठीक है। तो हमने सोचा चलो आज भी ब्लॉगिंग कर लेते हैं ना, ठीक है, तो चलो ब्लॉगिंग करते हैं। तो यार देखो लाइट नहीं आई है, ठीक है, लाइट अभी आई थी चली गई, ठीक है। तो चलो ये हमारा रूम है, ठीक है, वैसे आप देख लो सारा कपड़ा उपड़ा बिखरा हुआ है, ठीक है फिलहाल, ठीक है। तो यार क्या पता है, ठीक है, तो अभी सही कर देंगे यार, ठीक है। तो इधर देखो, इधर अपना है नलका यार, ठीक है, वॉशिंग मशीन है, नल है और मोटर है, और ये देखो लाइट है, ठीक है। और ये है अपना किचन, किचन का दरवाजा खोल है, ठीक है। तो ये अपना किचन है, ठीक है, किचन में है खाना वाना है, ठीक है, और इधर रखा गया है, ठीक है। तो भाई शाबाश है, खिला रहे हैं प्यासू, ठीक है। तो यार वहाँ, ठीक है, हमारे गांव में तेरा ही है, ठीक है, कोई चला गया था, ठीक है, और उसका तेरा ही मनाते हैं, ठीक है। तो कहे थे ना कि खाना खाने आ जाना, ठीक है, तो उनके घर जाना, ठीक है। और क्या बताएं, और सब बन गया भाई साहब, ठीक है यार, इधर देखो, ठीक है, ये हमारा चार्जर था, ठीक है, यहाँ पर लगाए थे यार, ठीक है। और देखो टीवी है, प्लस लाइट नहीं आया है, ठीक है, टीवी लगाएंगे, इधर हम सोए थे, ठीक है, अभी उठे यार, ठीक है। तो अच्छा लग रहा है ना, तो दरवाजा खुला यार, ठीक है, हमारा भाई घर के अंदर है, ठीक है। तो मम्मी पापा जितने घर में सब लोग थे ना, तो सब लोग उधर ही गए हैं, ठीक है। दरअसल यार खाना बनवाना होता है ना, ठीक है, और कुछ काम करवाना होता है, तो वहीं गए हैं, ठीक है। तो इधर देख लो बरामदा, ठीक है, इधर मम्मी पापा प्लस मेरा छोटा वाला भाई, मेरी बहन इधर सोते हैं, हम उधर, और हमारा भाई उधर सोता है, ठीक है। और इधर देखो एक खटिया है, ठीक है, खटिया पे देखो बैग है, देखो मेरे छोटे वाले भाई का, एक मेरी बहन का है, और एक मेरे भाई का, ठीक है, ठीक है, बड़े कह सकते हैं लेकिन उनसे छोटा है, ठीक है। तो इधर देखो यार काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है, ठीक है, अगर हम इधर से देखें तो इधर से बढ़िया आएगा हमारा चेहरा, और इधर से नहीं आएगा, ठीक है। तो इधर अपना लाइट जलाए हैं, ठीक है, और लाइट नहीं आई है, ठीक है, लाइट नहीं आई है, ठीक है। अगर यार हमको थोड़ा जल्दी उठ जाना चाहिए था, ठीक है, ब्लॉगिंग करने के लिए फिलहाल, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इधर अपना क्या है, लाइट आ गई यार, अभी अभी जस्ट इधर आई, ठीक है, पड़ोस में पता चल गया, ठीक है। इधर अपनी साइकिल है, ठीक है, इधर अपने स्कूटर है, ठीक है, इधर कुर्सी रखा गया है, ठीक है। तो चलो हम लोग आ गए हैं, इधर सड़क पर आ गए हैं, ठीक है। तो इधर देखो ये लाइट आई है, ठीक है, या एक इंजन ला ना, ठीक है। फिर कैसा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा ना यार, रात को ही नहीं, इसी वजह से अच्छा नहीं लग रहा होगा, ठीक है, कैसा लग रहा है। तो हम इधर आए हैं, ठीक है, तो गर्म बंद कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यार अगर हम चश्मा लगाते हैं तो अच्छा रहता है कि बिना चश्मा लगाए हुए सही रहता है, ठीक है। जब चश्मा लगाते हैं यार तब एकदम सब कुछ बढ़िया दिखाई देता है, ठीक है, मशीन चल रहा है। मशीन चल रहा है ना लाइट से, ठीक है, चक्की, ठीक है, इधर बर्तन वर्तन रखा गया है, ठीक है। इधर पानी रखा गया है, ठीक है, और क्या बताएं, और तो बढ़िया भाई साहब, ठीक है। इधर पापा का मोबाइल लगाया गया, ठीक है, शादी को, और भाई साहब तैयार हो गए हैं यार, उनको भी जाना है वहीं पर, ठीक है। तो वही सब लोग थे, ठीक है, काम में मदद करते हैं, ठीक है।
है ना। एक गांव में यार देखो कहीं भी मदद की जरूरत पड़ती है ठीक है, तो सभी गांव वाले एक जैसे हो जाते हैं ठीक है, ठीक उसी प्रकार से ठीक है। तो हमारे पापा मम्मी सब लोग गए हैं मदद करने ठीक है ना। अच्छी बात है यार ठीक है, जब हमको मदद की जरूरत होती है तब वो लोग करते हैं ठीक है। और क्या बताएं, और चलो देखते हैं टीवी का आ रहा है। चलो अगर नहीं यार टीवी देखना अच्छी बात थोड़ी है। बताओ यार क्या कर रहे हो ठीक है, मेरा पेपर है यार, मेरे को तैयारी करनी है ठीक है, ना कि टीवी देखना है ठीक है। तो अभी यार ठीक है माइंड डाइवर्ट हो गया था, बट कोई गल नहीं ठीक है। तो दरअसल यार इसलिए नहीं प्रॉब्लम है ना, दरअसल 6 दिन मिलता है ठीक है। अभी 24 तारीख को है, 24 तारीख को एग्जाम है ठीक है। जैसे कि गैप रहता है ना, 6 दिन का गैप मिला है ठीक है। तो 6 दिन के गैप में एकदम तो अच्छे से रिविजन कर सकते हैं ठीक है। 6 यानी 1 दिन में अगर हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करें ठीक है, 12 घंटे में 30 क्वेश्चन अगर मुश्किल से याद की कर लें ठीक है, तो बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे ठीक है। 3 6 18 180 क्वेश्चन हमारा तैयार हो जाएगा ठीक है। वैसे हम रिवीजन भी कर सकते हैं, 2 3 बार 5 बार 6 बार ठीक है रिवीजन कर सकते हैं ठीक है, करेंगे भी ठीक है। 2 3 बार रिवीजन कर लेंगे, अभी अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ठीक है। सबसे बढ़िया जानते हो क्या एग्जाम में क्या जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट ठीक है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है ठीक है। दरअसल यार टाइम मैनेजमेंट और लिखने की स्पीड प्लस सुंदर राइटिंग ठीक है। एग्जाम जो देखेगा पहले आपका सुंदर राइटिंग होना चाहिए, हाँ बढ़िया स्पीड या आपके पास होना चाहिए स्पीड, यानी कि तीव्र गति ठीक है, गति रहनी चाहिए एकदम, तो जल्दी 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 लिखने में ठीक है। और देखो भैया जो लिख रहे हो स्पेलिंग मिस्टेक ना हो ठीक है। दरअसल यार हम लोग हैं ना तो स्पेलिंग ज़्यादातर मिस्टेक हो जाती है ठीक है, याद कुछ और रहेगा और कुछ स्पेलिंग में कुछ ठीक है एक जगह आई हो जाता है और क्या बताएं ठीक है। तो जल्दी जल्दी लिखने में ठीक है, और तो बाकी सब सही है ठीक है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्या कि 2 घंटे में आपको सॉल्व करना रहता है यार ठीक है। करीब इधर से छोटे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देंगे ठीक है, छोटे क्वेश्चन जितने रहेंगे जानते हो छोटे क्वेश्चन कितने रहेंगे, 8 8 9 10 रहेंगे स्मॉल क्वेश्चन ठीक है। तो यार तुमको अभी दिखा सकते थे, आ जाओ हाँ आ जाओ तुमको दिखाते हैं। तो हम यार तुमको दिखा रहे हैं अपना क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का ठीक है, मतलब एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर नहीं यार, एमएससी थर्ड सेमेस्टर है ठीक है, थर्ड सेमेस्टर। आइए यार तुम लोग क्या कुछ बोलते हो, जाओ इधर से। दरअसल यार मेरे भाई के दोस्त आया ना तो वही बोल रहे हैं फलाने ठीक है, फलाने का मतलब समझते हो, फलाने का मतलब होता है एनी पर्सन, कोई भी रहता है ना तो कहते हैं का फलाने है ठीक है। तो गांव में ऐसा चलता रहता है कि नाम नहीं लेकर बुलाएंगे, तो नाम लेकर भी यूज कर सकते हो या फिर नहीं भी ठीक है। तो यार अभी देखो ऐसे कर रहे थे, हमारा पूरा गिर गया ठीक, नीचे की तरफ गिर गया ठीक है, नीचे की तरफ गिर गया है क्या, ये देखो पेन गिर गया यार ठीक है, पेन गिर गया और क्या, पेन गिर गया, स्केल गिर गया ठीक है, वोटर आईडी गिर गया, आधार कार्ड गिर गया ठीक है। दरअसल यार ये सब लेकर जाने का एक मकसद होता है ना, जैसे कि यानी कि इसका जरूरी रहता है ना, आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं ना, कोई भी पहचान पत्र ठीक है। और तुमको दिखा रहे ही है, यही है हमारा क्वेश्चन पेपर ठीक है। इसमें क्या क्या पूछा गया था, सिंपल सा आया था ठीक है, ट्रॉफिक हार्मोन आया था, एड्रिनो हाइपोफाइसिस आया था ठीक है, डायबिटीज डायबिटीज मिलिटस जो रहता है ना सेम वैसे ही डायबिटीज इंसिपिडस रहता है ठीक है, उसके बारे में आया था।
और क्रिटिनिज्म जो हम पढ़े थे, ठीक है, पढ़ रहे थे, सब सब कुछ वही था। पोलिप्स हार्मोन, ठीक है, इंसलेट और लैंगर हैंस आया था, पीवीएन आया था, ठीक है, और क्या एफएसएच, ये जितने हार्मोन से रिलेटेड ना सब आए थे, ठीक है, और डिफिशेंसी ऑफ डिजीज के बारे में आया था, और क्या बताएं इसमें, ठीक है, बाकी सब बढ़िया था यार, ठीक है। ये आया था देख लो, ठीक है, ये आया था कितना सेक्शन ए में, कितना क्वेश्चन आया था सेक्शन ए में, 1, 2, 3, 4, 10 क्वेश्चन आए थे सेक्शन सी में, करीब हाँ 10 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, और सेक्शन बी में आए थे, सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, 8 क्वेश्चन आए थे, और सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो यहाँ सेक्शन ए करना अनिवार्य रहता है, सेक्शन ए के सभी क्वेश्चन दसों के दसों करना रहता है, छोटे छोटे है ना, और देखो 15 वर्ड्स में करना है ना, 50 वर्ड, ठीक है, 50 वर्ड, ठीक है। और इधर देखो सेक्शन बी में, सेक्शन, ठीक है, जस्ट वन मिनट ब्रो, क्या यार कुछ भी मांग लेते हैं इसे, ठीक, तुम्हारा भाई जैकेट मांग रहा है यार, जस्ट वन मिनट ब्रो, आई एम जस्ट गिव द जैकेट, ठीक है, तो यार जैकेट मांग रहे भाई सब तो दे रहे हैं, ठीक है, दरअसल हम स्वेटर पहने हैं, ठीक है, दरअसल यार ठंडी बहुत तगड़ा लग रहा था, ठीक है, इसीलिए साल वो ओढ़ कर गए थे आज पेपर देने, ठीक है। तो सेक्शन बी में यानी 4 क्वेश्चन करना रहता है यार, ठीक है, एकदम बढ़िया से एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, और मिक्स ग्लैंड, जो मिक्स ग्लैंड रहता है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन जोन रहता है, कार पेंक्रियास के बारे में आया था, एकदम बेसिक्स आया था, अच्छा था यार, ठीक है। और देखो पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में आया था, ठीक है, और क्या रेनिन के बारे में आया था, रेनिन एंजियोटेन, रेनिन एंजियोटेनिन टेनिन है इसमें, ठीक है। तो जो रेनिन आप जानते हैं यार, जो बच्चों में होता है, ठीक है, डाइजेशन के लिए, ठीक है, क्या मिल्क डाइजेशन, ठीक है, उसके लिए आया था, ठीक है। और एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में आया था, एंडोक्राइन ग्लैंड का रोल क्या है, ठीक है, बहुत आया था, ठीक, बहुत इजी था, ठीक है, ये सब पढ़ा गया था, ठीक है। और पैनक्रियाज के बारे में आया था, पैनक्रियाज से कौन दो हार्मोन रिलीज होते हैं बताओ मेरे को, नहीं पता है ना, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ठीक है, ये आपको पता था ना जो आप पढ़ रहे थे, ठीक है, वैसे तुम लोग को कहाँ पता रहेगा, ठीक है, तो हम पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो वैसे इसमें आया था, सब कुछ ईजी है यार, एंडोक्राइन रेगुलेशन के बारे में आया था, ठीक है, और इसमें आया था सेक्शन सी में, सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन आया था, इसमें से 2 करना था, ठीक है, सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन आया था जिसमें 4 करना था, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन आया था जिसमें से 2 करना था, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में आया था, हार्मोन्स के बारे में आया था, बायोसिंथेसिस बायोसिंथेसिस और थायरॉयड हार्मोन, सब कुछ इजी था यार, जैसा भी हो गया पेपर बढ़िया गया है वैसे, ठीक है, एकदम बढ़िया नहीं कह सकते ना, एकदम बेकार कर सकते हैं, ठीक है, मीडियम में पेपर गया, ठीक है, समझ जाओ कितना नंबर आ जाएगा, ठीक है, मीडियम में गया, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा, मतलब ना ज़्यादा कम, ठीक है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा, ना सबसे ज़्यादा यार, ठीक है, ना सबसे अच्छा, ठीक है, ना सबसे बेकार ना सबसे अच्छा, मीडियम में गया, ठीक है, अच्छा भी दोनों का मिक्सचर जो भी है, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 75 नंबर का आया, ठीक है, 75 नंबर का है, तो 75 नंबर का है, ठीक है, अब इसमें से जानती ही हो कितना आएगा, ठीक है, 75 में से, ठीक है, तो 10 नंबर 15 नंबर काट दिए, ठीक है, वैसे 10 नंबर काट दिए, ठीक है, दरअसल यार हमारी डाइटिंग प्लस स्पेलिंग मिस्टेक में, ठीक है, चला जाएगा, और कुछ क्वेश्चन छूट गया था, ठीक है, उसमें चला जाएगा, ठीक है, तब भी ये 60, ठीक है, 60 से ऊपर ही कह सकते हो, ठीक है, 60 से ऊपर, ठीक है, 10 नंबर कटेगा, 62, 65 जो भी नंबर आ जाए, ठीक है, 75 में से, ठीक है, कुछ में से, ठीक है, जो भी हो,
ठीक है बढ़िया गया था यार पेपर, ऐसा नहीं ठीक है, थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम हो गई थी यार और क्या बताए, और बाकी सब एकदम मौसम गया था पेपर मस्त ठीक है। और दरअसल यार हम पेन यानी जब पेन से लिख रहे थे ना तो हमारा पेन यानी कि एकदम रुक रुक कर चल रहा था ठीक, एकदम रुक रुक कर, मतलब इधर से आप लिख रहे हैं ना ठीक है लिखिए, फिर उसके बाद एकदम धीमे 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 उसका रहता है ना उनको पेन लिखा रहे कौन सा पेन था लेंगे, और बहुत पतला चलता है ठीक है, बहुत पतला भी चलता है पता नहीं कौन विन फाइव एक्स पेन है ठीक है, अच्छा नहीं चल रहा था फिलहाल। अब की हम सोच रहे हैं इस वाले पेन से लिखें, दरअसल यार ये वाले पेन से अगर लिखते ना तो इधर मोटा जाता है ठीक, मोटा लेकिन पतला कर रहता है, दिखने में भी सही रहता और सुंदर थोड़ा दिखे ठीक है, और बाकी सब जो भी आया था बढ़िया था ठीक है। हाँ, तो सब लोग चले गए कहाँ, सब लोग चले गए वहीं पर ठीक है, चक्की हाँ, चक्की हम चला रहे हैं ठीक है, ये चक्की ठीक है आटा मतलब इसका गेहूँ का आटा निकलेगा ठीक बढ़िया है ठीक, और क्या बताएं और सब बढ़िया है ठीक है, इधर गेहूँ अपना आगर है ठीक है, आगर है अपना ठीक है, चश्मा निकाल कर देखो ये देखो यार नया स्वेटर यही है, नया स्वेटर ठीक है अच्छा है ना ठीक है, तो ये नया स्वेटर लिए थे यार मेरे को बोल रहा था 500 का ठीक है, 500 का बोल रहा था लेकिन धीरे 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 कम करके 300 कर दिया था 300 ठीक। दरअसल यार यहाँ पर बेचने आते हैं ना, बेचने आते हैं स्वेटर बेचने आते हैं फेरी वाले ठीक है, दरअसल यार नेपाली लोग रहते हैं ऐसे ठीक है ऐसा बोलते हैं ठीक है, दरअसल गांव-गांव में उन लोग बेचते हैं ना तो उनका एक रहता है ठीक है, बहुत लोग रहते हैं ना एक एक दिन वो आएंगे एक दिन वो आएंगे उनका कुछ ऐसा ही रहता है ठीक है। तो आज का हम ब्लॉग वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं यार ठीक है, ज़्यादा बड़ा है ठीक है, कहीं घूमने नहीं गए ठीक है, तो उम्मीद करेंगे हमारा ब्लॉग वीडियो आपको पसंद आएगा अच्छा लगेगा ठीक है, तो ऐसे ही ब्लॉग वीडियो और मज़ेदार ठीक है बने रहिएगा यार ठीक है, मिलते हैं आपको कुछ बेहतर और कुछ मज़ेदार लेकर ठीक है, तो टाटा।